कि अब नहीं कोई जीवन बचा है, लेकिन ये उस माता की विल पावर थी, शक्ति थी कि उन्होंने अपने जीवन को 7 दिन और खींचा उस दिन के लिए कि जिस दिन उनके पति स्वर्गीय देव सिंह प्रकाश वर्मा जी इस दुनिया से जुदा हुए थे। और परिवार ने भी उनका अस्थि विसर्जन, उनकी क्रियाकर्म विधवा में सब कुछ उसी दिन किया जिस दिन पूजनीय पिताजी का किया। माता जी के ही ये संस्कार हैं कि ये परिवार शहर में कोई धार्मिक आयोजन हो, कोई सामाजिक कार्य हो, उस कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। कभी कोई जागरण हो, कभी कोई शोभा यात्रा हो, कभी कोई काम हो, इस परिवार ने कभी ये नहीं सोचा कि हम अफसर हैं, हम क्या करें। नहीं, ये परिवार माता जी का ही जो वो दिखलाया हुआ रास्ता है कि इन्होंने हमेशा धर्म की और समाज की लगातार सेवा की है। और यही कारण है कि आज समाज के हर वर्ग से लोग, चाहे वो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, चाहे समाज के व्यापार के किसी भी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, आज माता जी को अपने श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए आए हैं। पंडित सोमनाथ जी सामने बैठिया मेरिया सतावा भैं भाई, अज सारे असी श्रीमती शकुंतला देवी जी के अंतिम शोक सभा के विच इकट्ठे होए हैं। हर प्राणी, हर इंसान जो इस दुनिया के विच जन्म लैंदा, उस नूं एक आरूपी मौत एक ना एक दिन किसी ना किसी बहाने के नाल इस दुनिया तो लै जांदी है। लेकिन जिहड़ा प्राणी, जिहड़ा व्यक्ति इस दुनिया के विच, इस समाज के विच चंगे काम करता, उस इंसान नूं इस समाज दुनिया कदे नहीं भुलदी। माता जी ने कीते हुए काम जिथे परिवार नहीं भुल सकता, उथे सारा समाज ही नहीं भुल सकता। मां का प्यार एक अटूट प्यार होंदा है। वह मां जी ने सानू जन्म दिता, बचपन के विच बड़े लाडा प्यार नाल गोद के विच पढ़ाया लिखाया, जवानी तक लैके आंदा, पर जदों मां का साया चलता जाता, इस तो ज्यादा होर दुख कोई नहीं होंदा। सो सबिदुर्वरिण्यम् भगवो देव स देवहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भर्गवाश तत् सबिदुर्वरिण्यम् ॐ द्यौ शान्ते अन्धारिक्षकम् शान्ति पृथिवीः शान्तिरावाः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्ति विश्वेदेवः शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वागम् शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामः शान्तिरिसुशान्तिर्भवतु। नारा
शुदाई है, सोचे
प्रतिष्ठित जनों के आगे झुकाने के लिए लोगों को फल लगते हैं, झुक
पेड़ों को, लेकिन नहीं, हम ऐसे अकड़ करके चलते जैसे भारत जैसे है कोई नहीं। गांधी भगवान का नाम श्रवण करने के लिए सुनने के लिए, लेकिन हम सत्संग में भी जाते हैं, दुख सुख में भी जाते हैं, हमारा ध्यान जो कहीं और भड़क रहा होता है, आंखें दी भगवान का दर्शन करने के लिए, जीवा दी भगवान का नाम जपने के लिए, लेकिन मन नहीं लगता इधर। अरे सच्चे भाव से अगर प्रभु का समन हम निकले घड़ी आदि घड़ी, आदि से प्रयास आदि घड़ी जो भगवान का नाम जो कलयुग नहीं, सबसे आसान तरीका, अरे त्रेता में द्वापर में सत्ययुग में ना जाने कितने अनुष्ठान करने पड़ते थे, लेकिन कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम से तो मानस वर्णन के कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नाम उतर नहीं पाया। अंत समय में उसका नाम मोक्ष निकल गया तो समझ सीधा वैकुंठ, लेकिन जाएंगे कैसे, अभ्यास नहीं हुआ होता हमारा, अभ्यास हुआ हो तभी नाम निकलेगा मोक्ष से। पिताजी हस्पताल है, पिताजी बोलो राम राम, इसलिए हमने उस प्रभु का श्रवण करना चाहिए जिसने हमें ये मानुष योनि प्रदान की है। अरे भाई अगर मानुष योनि में भी हमने प्रभु का श्रवण नहीं किया तो ये हम जिस योनि के लिए पीर पैगंबर देवी देवता भी तरसते हैं, हमें मानुष योनि प्रदान हो, क्यों मानुष योनि में ही प्रभु का श्रवण किया जा सकते हैं, नहीं तो जानवर क्या नहीं करते, खाते नहीं, पीते नहीं, बैठते नहीं, सोते नहीं, उठते नहीं, जागते नहीं, क्या नहीं होना, ये तो पशुओं का भी काम। अरे बंदे में बस फर्क यही है, जपे प्रभु का नाम, यही हमारे साथ जाने वाली वस्तु है, बाकी सब कुछ ये रह जाना, ये धन दौलत, ये मकान बंगले हमारे साथ जाएगा क्या, हमारा किया हुआ कर्म। संग सखा संग तज गयो, कोई ना देवे साथ, कहना न किसी भी पद में एक टेक रघुनाथ, एक प्रभु का नाम है जो हमारे अरे साथ जाने वाले वस्तु है। श्री जिस मालक ने तेनो बंदा मिट्टी को बनाया बंदिया, जिस मालक ने तेनो बंदा मिट्टी तो बनाया बंदिया,
धर्मपद लुगु वर्मा, मिथिलेंद्र वर्मा जी, नीलू वर्मा आदि बिटिया हैं, अरुलाल जी, नवा सुरेश लाल जी, अंजू वर्मा, सुदर्शन वर्मा, अजय वर्मा जी, मुकेश वर्मा जी, पीछे बहुत सुंदर फुलवारी छोड़ कर गए हैं वो तरुण वर्मा जी, तरुण जी, तनुष वर्मा जी, कर्ण वर्मा जी, नायक वर्मा जी, वरुण वर्मा जी, डॉक्टर गौरव वर्मा, रोहित वर्मा, केशव गौतम वर्मा जी आज के साथ दुकान के लिए आए हैं। लेकिन माँ का माँ दुनिया वाले हो, माँ बुंदी है माँ दुनिया वाले हो, माँ के रब दाना है दुनिया वाले हो, नहीं करी चली को दाम
पहली बार मैंने देखा कि मंच वो संस्कार
जब तक ये बच्चे समाज में एक्टिव हैं, तब तक उन माता जी की याद हमें दिलाता रहेगा कि ऐसी वो महान आत्मा थी जिसने अपने बच्चों को ऐसे अच्छे संस्कार दिए। 31 साल पहले ठीक उसी दिन 12 मार्च 1986 को जब तरसेम प्रकाश वर्मा जी शहीद हुए, आतंक की बलि चढ़ गए, ठीक उसी दिन 31 साल बाद माता जी ने अपने प्राण त्यागे। और डॉक्टरों ने एक हफ्ता पहले जवाब दे दिया कि अब नहीं कोई जीवन बचा है, लेकिन ये उस माता की विल पावर थी, शक्ति थी कि उन्होंने अपने जीवन को 7 दिन और खींचा उस दिन के लिए कि जिस दिन उनके पति स्वर्गीय देव तरसेम प्रकाश वर्मा जी इस दुनिया से जुदा हुए थे। और परिवार ने भी उनका अस्थि विसर्जन, उनकी क्रियाकर्म बेगोवा में सब कुछ उसी दिन किया जिस दिन पूजनीय पिताजी का किया। माता जी के ही ये संस्कार हैं कि ये परिवार शहर में कोई धार्मिक आयोजन हो, कोई सामाजिक कार्य हो, उस कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। कभी कोई जागरण हो, कभी कोई शोभा यात्रा हो, कभी कोई काम हो, इस परिवार ने कभी ये नहीं सोचा कि हम अफसर हैं, हम क्या करें। नहीं, ये परिवार माता जी का ही जो वो दिखलाया हुआ रास्ता है कि इन्होंने हमेशा धर्म की और समाज की लगातार सेवा की है। और यही कारण है कि आज समाज के हर वर्ग से लोग, चाहे वो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, चाहे समाज के व्यापार के किसी भी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, आज माता जी को अपने श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए आए हैं। जीवन देने में जब उनको किडनी की प्रॉब्लम थी 5 साल पहले भी, तो उन्होंने उनको बचाने में बहुत भारी योगदान दिया, परिवार उनका भी आभार प्रकट करता है। और आज बहुत सी संस्थाओं की तरफ से यहाँ पर लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। डकोहा वाले बाबा जी के भाई रविदास से जो गद्दी निशीन है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं बाबा जी। और बहुत सी संस्थाओं से शोक प्रस्ताव आए हैं, इन सभी को पढ़ पाना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं इन संस्थाओं के और इन महानुभावों के जिनकी तरफ से शोक प्रस्ताव आए हैं उनके नाम मैं अवश्य पढ़ना चाहूँगा। इनमें इन समाचार पत्र समूह से विजय चोपड़ा जी और अविनाश चोपड़ा जी की तरफ से, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री सर बूटा सिंह जी की तरफ से, एक्स एमपी डॉक्टर रतन सिंह अजनाला जी की तरफ से, एसजीएल ट्रस्ट से बाबा कश्मीरा सिंह जी की तरफ से, बार एसोसिएशन अजनाला से, बार एसोसिएशन अमृतसर से, बार एसोसिएशन बाबा बकाला से, बार एसोसिएशन जालंधर से, बार एसोसिएशन होशियारपुर से, पंजाब रेवेन्यू ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से, पंजाब कानगो एसोसिएशन की तरफ से, पटवार यूनियन पंजाब की तरफ से, महंत स्वरूप बिहारी शरण सनातन धर्म सभा न्यू दिल्ली से, सनातन धर्म महावीर दल से, एसटी कोलरवान गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ की तरफ से, डॉक्टर शिव कुमार एक्स एमएलए पालमपुर की तरफ से, विजय खुलर और अरुण वालिया जी प्रधान गीता मंदिर मॉडल टाउन की तरफ से, दैनिक सवेरा से शीतल विजी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रधान विजय सांपला जी की तरफ से, अपाहज आश्रम के चेयरमैन तरसेम कपूर जी की तरफ से, पूर्व विधायक राजकुमार गुप्ता जी और पवन कुमार गुप्ता जी की तरफ से, सतगुरु सेवा समिति होशियारपुर के प्रधान तिलक राज गुप्ता जी की तरफ से, होशियारपुर प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन होशियारपुर की तरफ से,
जलंधर सराफा एसोसिएशन के प्रधान नरेश कुमार मल्होत्रा और महासचिव राजेश सेठ की तरफ से इन संस्थाओं की तरफ से शोक प्रस्ताव आए हैं। मैं यहाँ बहुत से सज्जन पहुंचे हैं, इनमें क्षमा चाहता हूँ। हमारे मत में जगदीश राज राजा जी, विपक्ष के नेता, नगर निगम में सुभाष सूद जी, डॉक्टर राजेश चोपड़ा जी, राजीव वर्मा जी, जिमी कालिया जी, वरिंदर शर्मा जी, अमरजीत सिंह अमरी जी, पिंकी जुल्का जी, राज ठाकुर जी, इन सभी से क्षमा चाहते हुए अनुरोध करूंगा पास विधायक राजेंद्र बेरी जी से कि वो आए और अपनी तरफ से माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। पंडित सोमनाथ जी सामने बैठिया मेरिया मतावान भैं भाई, अज सारे असी श्रीमती शकुंतला देवी जी के अंतिम शोक सभा इकट्ठे हुए हैं। हर प्राणी हर इंसान जो इस दुनिया के जन्म लैंदा उसनू एक आरूपी मौत एक ना एक दिन किसी ना किसी बहाने के नाल इस दुनिया को लै जाती है। लेकिन जिहड़ा प्राणी जिहड़ा व्यक्ति इस दुनिया के इस समाज के चंगे काम करता उस इंसान को इस समाज दुनिया कदे नहीं भुलदी। माता जी ने किए हुए काम जिथे परिवार नहीं भुल सकता उथे सारा समाज ही नहीं भुल सकता। मां का प्यार एक अटूट प्यार होंदा। वो मां जिन्हें सानू जन्म दिता बचपन के बड़े लाडा प्यार गोद के पढ़ाया लिखाया जवानी तक लैके आंदा, पर जदों मां का साया चलता जाता इस तो ज्यादा होर दुख कोई नहीं आता। सो अज के युग के जेडे बेटे बेटिया नूहा अपने मां बाप की सेवा करते हैं इस तो वड्डी जिंदगी दे विच कोई होर सेवा नहीं। अज असीं देखदे आं कई बजुर्ग वृद्ध आश्रम दे विच बैठ के अपने बच्चों नूं पोसदे आ, लेकिन जिहड़े बेटे बेटियां नूहां अपने मां बाप की सेवा करदे ओह जिंदगी दे विच हमेशा सफल होंदे आ। इस परिवार ने इन्हां बेटियां ने बेटियां ने वाकई माता जी की बड़ी वड्डी सेवा कीती है। सो मैं उस परमपिता परमात्मा के ही अरदास करदा कि उस विछड़ी आत्मा नूं अपने चरणां दे विच जगह देण और पिछे परिवार नूं भाणा वरतण दा बल देण। मेरे तो पहला मनीष जी दस के गए है कि जिस दिन श्री सेम प्रकाश वर्मा जी शहीद होए उस दिन ही माता जी स्वर्गवास होए। श्री सेम प्रकाश वर्मा जी का इमानदारी दे नाल अतवाद दे नाल लड़े और मैनूं याद है छोटे छोटे सीगे उन्होंने धमकियां भी आया लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने पंजाब लई पंजाबीयत लई अपनी शहीदी दिती और एहो जे इंसान भी इस दुनिया दे विच बहुत घट हुंदे है। तो मैं फिर एक बार उस परमपिता परमात्मा की यही अरदास करदा कि उस विछड़ी आत्मा नूं अपने चरणां दे विच जगह देन और पिछे परिवार नूं भाणा वरतण दा बल देन। ओम शांति शांति शांति। ऐसे भी शोक प्रस्ताव आया है और इस शोक सभा में अविनाश चड्ढा जी, रवि सुगंध जी, पत्थर ने जो भी सज्जन आए हैं परिवार की तरफ से उन सब का आभार है, क्योंकि कहा जाता है कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है। तो आप सबने आकर यहाँ पर परिवार का दुख बांटकर इस दुख को कम करने की कोशिश की है। मैं वर्मा परिवार की तरफ से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ और परिवार की तरफ से अनुरोध है के रसम पगड़ी पर कोई भी धन के रूप में शगन देने की कोशिश ना करे। आप सबका यहाँ आना ही परिवार के लिए सबसे बड़ा शगन है। तो मैं पंडित जी से अनुरोध करूंगा कि गरुड़ प्राण के पाठ का भोग और आगे की रसम पगड़ी करें। दियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भर्गवासात्सवितुर्वरेण्यं। पटवारी कंगो बहुत से ऑफिसर आए हैं, मैं परिवार की तरफ से सभी का आभार प्रकट करता हूँ और परिवार की तरफ से अनुरोध है किया है सभी से अनुरोध है कि आप सब ने जो है लंगर ग्रहण करके जाना प्रसाद करें। वामहीनं द्वारि परिभं हवामेव सोमः
अहम जान गर्वरम जासी गर्वरम महानमो गणेश्यो गणपति शवो नमो नमो राहुदेव्यो रावतपति विश्वो नमो नमो वृद्धशिल्प्यो वृद्धस्पति विश्वो नमो शिवितम् कपित जम्बुल चरितम् क्रोधेव सर्वकारिषु सर्वदा ओम श्री गणगणपते नमो नमः शुक्लम् परम देवम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदम् ध्यायतु सर्वविघ्नौ शान्तः मंगलम् भगवान् विष्णु मंगलम् मंगलध्वजाय मंगलम् कुंडलिकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि सर्वमंगलमंगले श्री सर्वाभिषादिके शरणाय शरणाय त्र्यम्बके गौरी नारायणी ओम द्यौ शान्ते अन्तरिक्षगम् शान्ति पृथ्वी शान्तिरावाः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वागम् शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामाः शांति सुशांतिर्भवतु ओम संतु रामाया सर्वद्राणि पश्यन्तु मा कश्च दुःख भाग् भवेत् ओम शांति शांतिर्भवतु परस मा ज्योति मा चंद्र वीर पतंज Thank you.